आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ना हुण नहीं, हुण सानू घबरान दे, हुण साडा बणदा। هاكر 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 يا جماعة، لو انتبهتوا لحركاته هاكر. A few moments later. ये क्या है? अब बहुत हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो और मेरे PUBG लाइट वाले भाइयों, तो कैसे यार आप सभी लोग, तो एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस आ चुका मैं एक और वीडियो लेके, और गाइस इस वाली वीडियो को भाई तुम लास्ट तक जरूर देख के जाना। अगर गाइस आप भी भाई फिर से भाई भाई सोलो में रैंक पुश कर रहे हो तो आपको ये वाली वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि गाइस आप भी भाई मेरी तरह जो मैं रोटेशन पकड़ता हुआ गाड़ियाँ लेके पता नहीं भाई किधर से किधर तक। तो भाई आपको भी ऐसा करना अगर आप भाई रैंक पुश कर रहे हो। भाई मेरा तो बहुत खतरनाक माइनस लगा कल, क्योंकि गाइस मैं गोल्डन रोड खेल रहा था और उसमें भाई इतने खतरनाक बंदे आ रहे थे, मतलब कोई कॉन्फिग यूजर को कुछ भी कह सकते हो भाई, हैकर वैकर जो भी भाई तुम समझो। शुरुआत की क्लिप भाई तुम लोगों ने भाई देख ही ली होगी। और गाइस मैं आप लोगों को ये बात जरूर बताता हूँ, अगर गाइस आप भाई सोलो रैंक पुश कर रहे हो तो भाई RPG S12 के ये सब कुछ चलाना भाई जरूरी है, क्योंकि गाइस सामने वाले बंदे के पास भी हो सकती है। अगर गाइस आप यहाँ कहीं पर भी भाई ड्रॉप लूटने जाते हो तो गाइस उसमें भाई आपको RPG दिखती है। अब तुम सोचोगे भाई मैं RPG उठाऊँ या ना उठाऊँ, तो गाइस RPG जरूर उठा लेना भाई, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। सामने वाले बंदे को भी भाई इस वाली कॉन्करर लॉबी में भाई पॉइंट चाहिए तो भाई वो भी भाई सब कुछ यूज करेगा जैसे RPG S12 के, तो गैस तुम भी यूज करना। और गैस देखो भाई मैं किधर से भाई किधर आ गया, मतलब कि गैस आप भी ऐसे ही करते रहना भाई अगर आपको पॉइंट चाहिए, वरना गैस आप एक जगह पे रुकोगे ना तो गैस आपको बंदा आके इजीली भर देगा, क्योंकि गैस उसके पास S12 की हो सकती है। अब ज़्यादातर बंदे भाई गाड़ियाँ तो उठा लेते हैं, बट गैस वो कहीं पर रोक लेते और भाई सामने वाले बंदा भाई S12 के लेके आ जाता और इसको ईजिली भर देता। मेरे साथ भी भाई ऐसा सीन बहुत हुआ है भाई, बट वो वेरेंगा मैप में हुआ है, क्योंकि गैस मैं गोल्डन रोड तो ऐसे नहीं मरता, उसमें भाई बंदे दूर दूर तक जाते और भाई इजीली भाई मैच जल्दी खत्म हो जाता है। लास्ट का सर्कल भाई जल्दी से भाई हील थोड़ी ज्यादा खाता है, बट भाई हो जाता है उसमें इजीली, और पॉइंट भी भाई अच्छे खासे मिलता है गोल्डन रोड में। बट भाई वेरेंगा मैप में भाई खतरनाक है, मतलब कि गाइस बंदे RPG S12 के लेके घुसते अकेले बंदे पे और उसे भाई इजीली मार के भाई पता नहीं कहां से कहां रोटेशन पकड़ते। और गाइस मैंने भाई कल क्या किया था, मैंने आपको भाई वादा किया था कि भाई आज मेरा कॉन्करर हो जाएगा, बट गाइस मैं कॉन्करर कर भी लेता भाई रात को, बट गाइस ऐसा सीन हुआ कि मतलब भाई गोल्डन रोड में ऐसे खतरनाक बंदे मिल रहे थे भाई, दो दो गोलियों में मार के जा रहे थे, और भाई मैं उनके बारे में आपको ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैंने ज़्यादा भाई रिकॉर्ड नहीं किया बंदों के बारे में, वो भाई मुझे मार देते थे और भाई मैं जब रिकॉर्ड करता ना भाई बहुत ही लेग करता। अभी भाई मैं Redmi Note 9 Pro में खेल रहा हूँ और इस गाँव में ऐसा सीन है कि मतलब भाई लाइटें भी नहीं आती, पता नहीं क्या ही सीन है, और भाई फ़ोन बहुत ही लेग करता है एंड हीट भी होता है भाई, जब आपकी लाइट चली जाती है तो तुम्हें पता होगा भाई फ़ोन कितना गर्म हो जाता है। और गैस मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर गैस आप ड्रॉप लूटना चाहो तो भाई जल्दी से लूट के आना, क्योंकि ज़्यादातर बंदे आप पे भाई नज़र रखते हैं भाई, ये जल्दी से जैसे गाड़ी में बैठेगा मैं इसको इजीली भर दूंगा। तो यहाँ पे गैस मैंने ड्रॉप लूट लिया था और इसमें यहाँ पे AWM होती है, बट मैं उठाता नहीं हूँ, क्योंकि गैस ज़्यादातर बंदे भाई क्लोज में आते हैं और S12 के पता नहीं कुछ क्या गन लेके आते हैं और ईजिली भर के चले जाते हैं, तो भाई AWM से मैं क्या ही करूँगा। तो यहाँ पे गैस मैं गाड़ी लेके आ जाता हूँ, यहाँ पे गैस इधर जोन था, यहाँ पर गैस आते मुझे सामने एक तरफ बोर्ड दिख जाता है, तो बस देखो। और यहाँ पर गैस भाई मेरे 3 किल तो हो चुके। और गैस आपको भी भाई ऐसे करना है, अगर आप भाई शुरुआत में किल नहीं करोगे ना तो भाई आपके लास्ट सर्कल तक जब आप पहुँचोगे भाई टॉप 10 जिसमें भी, तो गैस आपको पॉइंट नहीं मिलेंगे। आपको भाई शुरुआत में 1 से 2 किल तो करना जरूरी है, क्योंकि गैस आपको पॉइंट जो लास्ट में मिलने वाले हैं तो भाई इसी से मिलने वाले, आपको शुरुआत में किल तो निकालना पड़ेगा। यहाँ पर गैस सामने की तरफ एक बंदा गाड़ी लेके आ जाता है, पता नहीं भाई बोर्ड को मारने के लिए, और ऐसी गलती भाई आप मत करना भाई, खुले में गाड़ी रोक के किसी भी बोर्ड को मारने का ट्राई करना। इस वाले बंदे को भाई मैं थोड़ी देर इधर ही वेट करता हूं, जैसे गाइस ये गाड़ी में बैठने आएगा ना तब देखना भाई इसके साथ मैं क्या ही सीन करता हूं। ये वाला बंदा आ जाता है गाड़ी में बैठने तो बस देखो कैसे मारता है इस वाले बंदे को।
और भाई इस वाले बंदे की क्या ही पेटी बनाई, मतलब कि गाइस ये बंदा गाड़ी लेके जा रहा होता है तभी गाइस मैंने इस वाले बंदे को भाई गाड़ी से उतार दिया। और गाइस ऐसी गलती आप मत करना, अगर गाइस आपको बोर्ड दिखता है और आपके पास गाड़ी जैसे भाई इस वाले बंदे के पास थी, लेकिन गाइस ये गलती क्या करता है कि भाई उतर के मारता है उस वाले बोर्ड को। और भाई आप ऐसी गलती मत करना। देखो गाइस भाई सामने की तरफ बन चुका था जोन, यहाँ से देखना भाई एक बंदे को मैं कैसे मारता हूँ, बस इंजॉय करो। हैकर, हैकर। और यहाँ पर गाइस भाई सामने वाले बंदे को क्या ही मारा, एकदम भाई खतरनाक। और भाई वो बंदा सोच रहा होगा भाई इतनी दूर से कैसे मार दिया। अब भाई तुम भी सोचो भाई, जो बंदा लेट के स्प्रे मारता है ना भाई, उसका खतरनाक स्प्रे जाएगा, चाहे वो 400 मीटर हो या 500 मीटर। और अगर गाइस भाई तुम जोन के बाहर हो और भाई तुम चाहते हो कि भाई मैं खुले में घूमूं, तो भाई तुम्हें एक बार तो और बता देता हूँ। ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, जो कॉन्कर लॉबी में भाई रैंक पुश करते हैं ना, वो गाइस जोन के बाहर ही रहते हैं, क्योंकि गाइस उन्हें सर्वाइव करना। और अगर गाइस वो जोन में चले जाएंगे ना, तो उन्हें पता अगर वो गाड़ी लेके जाएंगे तो भाई उनके गाड़ी में भाई हटा देंगे बंदे। तो गाइस वो जोन के बाहर ही ज्यादातर देर तक सरवाइव करते हैं। यहाँ पे गाइस मेरे पास थोड़ा सा टाइम पड़ा हुआ है। और यहाँ पर गाइस भाई सामने की तरफ देखो, एक बंदा भाई बग्गी लेके भाई जोन के बाहर यहाँ पे हील फाइट कर रहा है। अब भाई इसको मैं थोड़ा सा डैमेज देता हूँ और भाई ये जल्दी से चला जाता। अब देखो गाइस यहाँ पे अगर आपको बग्गी उठानी है भाई खुले में से कहीं पर भी, तो स्मोक जरूर करना, क्योंकि गाइस बंदे हर जगह होते हैं और भाई वो नजर रखते हैं आप पे कि गाइस ये कैसे निकलेगा। और भाई जैसे ये गाड़ी लेके निकलना चाहेगा तो मैं इसको ईजिली मार दूंगा। यहाँ पे गाइस मेरे पास होता भाई फ्यूल, तो भाई इसमें वैसे मैं फ्यूल भरता हूं। अब जैसे गाइस मैं यहां से गाड़ी निकालने का ट्राई करूंगा ना, तो बस देखो मेरे साथ क्या सीन होता। अब यहाँ पर गाइस भाई पीछे की तरफ एक जोन के बाहर बंदा होता है, जो कि गाइस यहाँ पे मेरी बग्गी पे फायर करता है, लेकिन गाइस यहाँ से मैं राइट नहीं लेके सीधा इधर लेफ्ट लेके आ जाता हूँ। अगर गाइस ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं, बस सीधा गाड़ी लेके जाते हैं और बंदे उनको ईजी उतार देते हैं। और देखो गाइस भाई मैं जैसे रैंक पुश कर रहा हूं ना, मतलब ऐसा हो रहा है मेरे साथ सीन कि मतलब भाई बंदे टेलीपोर्ट, जैसे गाइस मैं उन पर गाड़ी चढ़ा देता हूँ तो भाई वो बंदे टेलीपोर्ट आ जाते हैं। यहाँ पर गाइस भाई लास्ट सर्कल का बस फाइट इंजॉय करो। यहाँ पर देखो भाई कितनी गाड़ियाँ घूम रही है और एक BIDM भी, भाई इस वाली BIDM के पीछे देखो भाई कितने बंदे पड़ गए। और गाइस भाई लास्ट के सर्कल में गाड़ी बिल्कुल भी मत रोकना, बस सल्लू भाई बन जाना और गाड़ी चढ़ाते रहना बंदों पे, तो बस फाइट एंजॉय करो यहाँ पे। और यहाँ पर गाइस भाई S12 के वाले बंदे से मारे जाते हैं। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। और गाइस कल तो अपना पक्का कॉन्करर हो जाएगा, तो गाइस मैं मिलता आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय। अगर गाइस आप चैनल पे नए हो तो भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो बनता, तो गाइस कर देना। बाय बाय।